के तरफ से कल मलकपेट पुलिस स्टेशन के द्वारा एक नोटोरियस लेडी क्रिमिनल वेगनम अनुराधा का अरेस्ट हुआ। वेगनम अनुराधा वाइफ ऑफ लेट सैयद आरिफ, ये लेबरर का काम करती थी और टेम्पररी एड्रेस रेलपेट गुंटूर टाउन आंध्र प्रदेश का है। ओरिजिनली ये रहने वाले YSR कड़पा डिस्ट्रिक्ट के हैं और कल ये आफ्टरनून में इनका अरेस्ट हुआ। नंदन वनम करमल घाट रंगारेड्डी में इनका अरेस्ट हुआ और इनके अरेस्ट होने के बाद 25 केसेस ऑफ हैदराबाद, साइबराबाद और राजकोंडा, ये तीन कमिश्नरेट के केसेस डिटेक्ट हुए और इनके पास से 57.6 ग्राम गोल्ड, 681 ग्राम सिल्वर एंकलेट, टोटल वर्थ 3,80,000 का रिकवर हुआ। आप लोग एक स्मॉल कटर भी देखे जिससे ये लोग ये यूज करते थे ज्वेलर्स निकालने के लिए, और इनके काम करने का तरीका था कि घर के सामने या घर से थोड़ी दूर पर छोटे बच्चे, अगर खास करके लड़कियां आइसोलेटेड प्लेस में अगर खेल रही हैं, तो उनको चॉकलेट, आइसक्रीम या 10-20 रुपए का लालच देकर उसको एक आइसोलेटेड प्लेस में ले जाने के बाद उनका कान का ज्वेलरी, एंकलेट ये लोग निकाल लेते थे। आपके नॉलेज के लिए टोटल जो केसेस डिटेक्ट हुए हैं उसमें हैदराबाद के 8 केसेस हैं, मलकपेट पुलिस स्टेशन का 2, सैदाबाद का 2, अंबरपेट का 2, जुबली हिल का 2, राजकोंडा सरूर नगर 2, मीरपेट 2, उपल 6, एलवी नगर 4 और साइबराबाद सनत नगर 3। ये पूरे केस के डिटेक्शन में हमारे डीएसआई शिवशंकर ये बहुत अच्छा रोल किए। सीसीटीवी फुटेज एनालिसिस के बाद फिजिकल सर्वेलेंस माउंट किया गया और उसके बाद ये डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी का जब प्लान हो रहा था करमन घाट में, तो उस समय का इंफॉर्मेशन से ये लोग इसको डिटेक्ट किए। ये टोटल जो गुडवर्क हुआ इसमें हमारे एडिशनल डीसीपी ईस्ट जोन गोविंद रेड्डी के साथ डीएसआई एन शिवशंकर, डीआई नानू नायक, स्टेशन हाउस ऑफिसर केवी सुब्बा राव, एसीपी सुदर्शन, कांस्टेबल ऑफिस हेड कांस्टेबल ऑफिसर राजू, एएसआई आरिफ बाबा, कांस्टेबल ऑफिसर अशोक, कांस्टेबल ऑफिसर नरेश, कांस्टेबल ऑफिसर साईकांत, कांस्टेबल ऑफिसर श्रीनिवास प्रसाद और कांस्टेबल ऑफिसर अमरनाथ, ये लोग सब मिलकर इतना अच्छा काम किए। ऐसे मौके पे मीडिया की तरफ से, प्रिंट की तरफ से कॉमन पब्लिक को एक मैं अपील करता हूं कि अपने बच्चों को समझाएं कि किसी स्ट्रेंजर से, अनजाने व्यक्ति से चॉकलेट, आइसक्रीम या छोटे मोटे खिलौने 10-20 रुपए का नोट नहीं लें जब तक कि आपको उनसे जान पहचान नहीं है। और ऐसे मौके पे मीडिया और प्रेस की तरफ से मैं पब्लिक से अपील भी करता हूं कि सीसीटीवी कैमरा